अरे बेटा इस पे नहीं, बाल्टी में डालो, बाल्टी में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे इमरान, जोया उठो तो, कब तक सोते रहोगे? आज बकरा ईद है। देखो तुम्हारे अबू मुन्ना को नहला रहे हैं। बेगम मैं चलता हूँ, मुन्ना को हलाल करवा लाऊं, नहीं तो उस्मान भाई की दुकान पर गर्दिश हो जाएगी। मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है जी, संभल कर जाना, खुदा हाफिज। अम्मी, अब्बू मुन्ना को कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटा, तुम्हारे अब्बू मुन्ना को हलाल कराने के लिए लेके जा रहे हैं। आज बकरा ईद जो है। अब्बू अब्बू प्लीज मुन्ना को मत लेकर जाओ। बेटा ये जरूरी है, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा अब्बू यदि मुन्ना को कुछ हो गया तो। बेटा ये जरूरी है, प्लीज अब्बू प्लीज मुन्ना को मत लेकर जाओ। मान जाओ आप, प्लीज अब्बू प्लीज। बेगम पकड़ो इसे। अब्बू मत लेकर जाओ ना मुन्ना को, आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। अम्मी मुन्ना को मत जाने दो, प्लीज अम्मी मुन्ना को बचा लो, प्लीज अम्मी। ये लो बेगम। इमरान, जोया बेटा आ जाओ, खाना खा लो, कितना अच्छा गोश्त बना है। आ जाओ बेटा। अब्बू मुन्ना कहाँ है? खाने से ऐसे उठकर नहीं आते,
अल्लाह नाराज हो जाते हैं। चलो इमरान खाना खा लो, उठो बेटा। चलो जोया खाना खा लो बेटा, उठो। नहीं अबू, हम मुन्ना के गुस्से को नहीं खा सकते। हमें खाना नहीं खाना अबू, खाना नहीं खाना। बेटा ये तो अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ने उसे जमीन पर हलाल होने के लिए ही भेजा था, उसे तो हलाल होना ही था। अबू क्या बिगाड़ा था मुन्ना ने आपका, कितना प्यारा था वो। माफ करना अबू, यदि कोई कल को हमें हलाल करे या कुछ कहे तो आप क्या करोगे? हाँ कोई हाथ तो लगा कर दिखाए तुम्हें, हराम खोर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो फिर अबू आपने बगैर किसी कसूर के मुन्ना को क्यों हलाल करवा दिया, वो भी तो किसी का बच्चा था ना। अबू आप तो कहते थे कि कीड़ी से लेकर हाथी तक सभी उस एक अल्लाह के ही बच्चे हैं, तो फिर क्या वो मुन्ना उस अल्लाह का बच्चा नहीं था जिसे आपने हलाल करवा दिया? अबू आपने अल्लाह के बच्चे को हलाल किया है, अल्लाह क्या सजा देंगे आपको इसकी। अरे बेटा, मुन्ना को हमने कलमा पढ़कर ही हलाल कराया है जिससे उसकी रूह जन्नत में चली गई, इसीलिए अब उसका गोश्त खाने से हमें स्वाब मिलेगा। अम्मी यदि ऐसे जन्नत में जाते हैं तो आप एक काम कीजिए, हमें भी कलमा पढ़कर हलाल करवा दीजिए ताकि हम भी जन्नत में जाकर अल्लाह से पूछ सके कि वाकई आपने ये हुक्म दिया है कि बेजुबानों को हलाल करो। अबू अबू प्लीज मुन्ना को मत लेकर जाओ। बेटा ये जरूरी है, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा अबू यदि मुन्ना को कुछ हो गया तो। बेटा ये जरूरी है, प्लीज अबू प्लीज मुन्ना को मत लेकर जाओ। नहीं अबू नहीं, मत लेकर जाओ मुन्ना को, मुन्ना को मत लेकर जाओ प्लीज। क्या हुआ बेटा? मुन्ना कहाँ चला गया अम्मी? ने आपका क्या बिगाड़ा था अबू जो आपने उसका हलाल करवा दिया? हाँ अबू। चुप हो जाओ बच्चों, रात काफी हो गई, सो जाओ। अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ, बेगम मैं जा रहा हूँ, अस्सलामुअलैकुम। अबू मत लेकर जाओ ना मुन्ना को, आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? अबू अबू प्लीज मुन्ना को मत लेकर जाओ। माफ करना अबू, यदि कोई कल को हमें हलाल करे या कुछ कहे तो आप क्या करोगे? आरिफ भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो आरिफ भाई लंच करने चलते हैं। आप कर लीजिए, मुझे भूख नहीं है। नहीं आरिफ भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, काफी परेशान लग रहे हो, लंच तो करना ही पड़ेगा। चलो खड़े हो जाओ। आओ आरिफ भाई बैठो। हाँ तो आरिफ भाई बताओ क्या बात है, सुबह से काफी परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं शहजाद भाई, कल बकरा ईद थी ना, कल की बकरा ईद ने तो मुझे झिझोड़ कर रख दिया, मेरी रूह को एकदम निचोड़ दिया। बच्चों ने मुझसे ऐसे सवाल जवाब किए जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अबू अबू मुन्ना कहाँ है? अबू क्या बिगाड़ा था मुन्ना ने आपका? माफ करना अबू, यदि कोई कल को हमें हलाल करे या कुछ कहे तो आप क्या करोगे? आपने बगैर किसी कसूर के मुन्ना को क्यों हलाल करवा दिया? अबू आप तो कहते थे कि केडी से लेकर हाथी तक सभी उसे अल्लाह के ही बच्चे हैं, तो फिर क्या वो मुन्ना उस अल्लाह का बच्चा नहीं था जिसे आपने हलाल करवा दिया? अबू आपने अल्लाह के बच्चे को हलाल किया है, अल्लाह क्या सजा देंगे आपको इसकी। तो शहजाद भाई अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? उसके बारे में किसी बाखबर को पूछ कर देखो कि वो बाखबर होगा और वही खुदा की इबादत करने का तरीका बताएगा। और फिर तो आपको यह भी पता होगा कि वो बाखबर कौन है जिसके बारे में कुरान शरीफ के अंदर जिक्र किया गया है। वो बाखबर ही तो संत रामपाल जी महाराज है।
उन्होंने ही तो मुझे कुरान शरीफ का सच्चा ज्ञान बताया है। वो ऊपर से जो आदेश लेकर आया था हजरत मोहम्मद, उसमें बिस्मल यानी गाय को काटना, मुर्गे को काटना, बकरे को काटना, इसको बिस्मल बोलते हैं। ये कहते हैं रोजा बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर मौज करना, हे भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और पांच वक्त की नमाज कहते हैं। सिर्फ इतना आदेश था हजरत मोहम्मद का, ये मांस खाने का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवाद गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा कि नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 180,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि तुम जिन महापुरुषों का नाम लेकर मांस खाते हो, गायें काटते हो, हत्याएं करते हो, मुर्गा काटते हो, बकरा काटते हो, भगवान ने कितना अच्छा आपको आहार दे रखा, काजू किस्मत सेब संतरे और नहीं तो ये बाजरा ज्वार गेहूँ चने चावल कुछ भी खाओ, ये अड़ंगा क्यों खाते हो? तुम्हारे नबी ने हजरत मोहम्मद ने कभी किसी की हिंसा नहीं की। कहते हैं वो तो आदरणीय महापुरुष थे, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया और 180,000 को सौगत जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 180,000 अनुयायी हुए थे जो कति पाक साफ थे, वो ब्याज तक भी नहीं लेते थे, जिहाद संघर्ष नहीं करते थे, किसी का कत्ल करना भी महापाप मानते थे, वो तो ऐसे महापुरुष थे। कहते हैं अरश कुरश पर अल्लाह तकत है, अरश कुरश पर आसमान के ऊपर अंतिम छोर पे अरश कुरश पर अल्लाह तकत है, भगवान का सिंहासन है और खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, जिन महापुरुषों की तुम आड़ लेके दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, मांस खिला रहे हो, पाप के भागी बना रहे हो, उन्होंने कभी मांस छुआ नहीं, मांस वगैरह।